कई बार आपने देखो ही है कि जैसे बेचारे गरीब हैं नैया, उन लोग कछु मोटर वोटर साइकिल लेवे के लाने या कार लेवे के लाने पैसा दो, अपने साइकिल पे बैठा ले तो चले जाते है ना। और मतलब उके कारण ही हम चित्रण बुंदेलखंड को बता रहे हैं आप कि वे अपनी व्यवस्था साइकिल पे बना ले, तो मान लो लगेज ना हो साइकिल पे तो डंडा पे बैठा ले, तुम्हें कौन परिवर्तन इमें हंसवे की का बात है, काय डंडा पे आज लोग को नहीं बैठा हुआ है भगवान कसम। मतलब हम तो साइकिल में लगेज लगवानी था, हमारी तो इच्छा होने लगा के बैठा ले दे। लेकिन अब ऐसे कई बार देखो भी हमने और देखा रहा, तब कल ही देखो तो कल दतिया गए थे हम प्रोग्राम फिर से देवी के लाने, एक तो भगवान कसम दो जने डंडा पे बैठा चले जाते, मतलब तो कोई परिवर्तन नहीं। तो वैसे ही बात हम आपका सुना रहे के अब बिल्कुल नई बात है। आपने एक विष्णु पटेरिया को गीत सुनो हुई है कि तुम्हें तनक नोनी, सुनो ना। अब जो शंकर जी की बारात नो यही में जो ना समझ जाइयो आपको, जब शंकर जी की बारात से वो भगवान की बातों से बिल्कुल अलग है जब बात हमारी। हम भगवान का मानत है, मना लो जितो मनाओ ने तो भगवान को नाराज भय जाता है, और हो जाए नाराज तो हम आपका कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग नाराज हो जाओ तो कहो पथरा मार दो उठा के, इसे आपको डर ज्यादा है, शंकर जी को हमें बिल्कुल नहीं डर लगती भाई। तो जौन गीत भैया विष्णु पटेरिया ने गाओ कि तुम्हें तनक नोनी तुम्हें थुनिया की ओट में, तुम्हें तनक नोनी तुम्हें थुनिया की गीता हम आपका सुना रहे। बड़ो अच्छा है कि देखो आप ई में सबसे बड़ी बात है तुक देखियो आप कितनी अच्छी मिली ई गीत में, बिल्कुल नव गीत है बोलो आपने ना सुनो हुई है, हकीकत में बता रहे आज हम पहली बार सुना रहे उठा कि चली गोरी मेला खां काया सो तो लड़नी है जब ज्यादा जने ठाड़े से, अरे चली धना मेला खां वैसे चली गोरी मेला खां साइकिल पे बैठ के, चली गोरी मेला खां साइकिल पे बैठ के, ओ जी जाजू चला रहे चला रहे मुछे दोई ऐठ के, चली बना साइकिल पे मतलब केवे को जो है के जे 5 रुपया पुरस्कार आगे भगवान के भजन में काउ नहीं दे नकाउ ने माला डारी करे मैं। लेकिन ई में तो बड़ी अच्छी बात है कि जीजाजू चला रहे मुछे दोई ऐठ के, जीजाजू चला रहे चंदासी चमकीली गोल गोल मुइया, चंदासी चमकीली गोल गोल मुइया, इन खां जो देख ले बुए चैन नैया। आहा ऐसे चिल्ला रहे आप लोग जैसे भाग्य खुल गए हों का, अरे इन खां जो देख ले बुए चैन नैया, दोई नैनन की दुनाली चलैया। जीजा जी ने कही आगे बैठी हो तो मतलब ऐसा ना हो कि पैया के उमें तिल निलल में धुतिया होती है तुम्हारी बेदिया, इतना मतलब अच्छी तरह से कर लो। तो आगे बे बैठ गई मतलब डंडा पे बैठ गई धुतिया समेट के, चली धना
अच्छी बात है। एठ गई आगे सेठ गई आगे बेधुतिया समेट के चली घना मेला खाटा दिल पे बैठ के और मेला में फिरे तो दिखाती है न्यारी, मेला में फिरे तो दिखाती है न्यारी और मेला में फिरे तो दिखाती है न्यारी। जीजा के जादू में फंस गई बेचारी, जीजा के जादू में फंस गई बेचारी, जीजा ने मेला में नगदी निकारी। और फिर बोली जीजा जी ज्यादा खर्चा हो रहा, बोले यहाँ अरे चिंता ना करो ना करो करो खर्चा चपेट के चिंता ना करो। चली धना मेला खा साइकिल पे बैठ के चली धना मेला और अरे जीजा ने नाटक नौटंकी दिखाई। देखो आप गौर करियो कि जो भाव कहां पहुंचा था। हमने कही थी बुंदेलखंड को एक चित्र ना जिए हम आप समाज से छुपा ले, लेकिन हम ये व्यक्त कर रहे और जो भी बता रहे कि एक बड़ा अच्छा व्यंग है इनमें। अरे जीजा ने नाटक नौटंकी दिखाई और नाटक नौटंकी में एक पुलिस वाले ने धमकी दिखाई। अब जाने पुलिस वाले तो फेरता ही रात, मतलब नाटक नौटंकियन में के बेदत का को हम बताएं फिर। मतलब हम इतने के पुलिसवान हैं नहीं कह रहे, हम अपने इतने के पुलिसवान हैं कह रहे, हम एमपी के हैं। अरे जीजा ने नाटक नौटंकी दिखाई, एक पुलिस वाले ने धमकी बताई, पकड़ो उन्हें थाने में ले गो सिपाही। अब देख रहे दरोगा जी, अरे देख रहे दरोगा जी कुर्सी पे बैठ के, देख रहे दरोगा। अब जैसी पहुंचे थाने तो पहुंचे ही गए, थाने में जीजा ने सबई जेब झारी, मतलब सब छोड़ा ले गए, कहां बच पाओ थाने में पहुंच बजाओ रुपया लेके, मतलब हम जो नहीं कह रहे कि लाच ले। अरे थाने में जीजा ने सबई जेब झारी, तो छोड़ दो जीजा खा छोड़ी ना सारी, तो सारी के बदले नई साइकिल पवाई। जब पैसा ना बचे सो बोले भैया सारी तो ले नहीं सका, सो साइकिल और मैच जारी, बोले जेब और पैसा ले ले। अब जा पैसा तो अलग घल गए और अरे कोटे खूब थाने में तेंदू के बैठ के कोटे खूब थाने। जीजाजू सारी के सामूना हेरे का करें काई, अरे जीजाजू सारी के सामूना हेरे, छोड़ दो और हुंका ना देवे बे सारी के तेरे, हुंका ना देवे बे सारी के तेरे, और रात के निंगे पहुंचे गांव में सवेरे, और कॉल करो छलिया ने। अब सोचो आप ये बाबा हो गए, इन्हीं को लिखो है। अब अंदाज लगाओ आपके ई गांव के या मतलब हमारे थे जो बाबा बना थे, इनकी भी का दशा हुई आने चल के। अरे कॉल करो छलिया ने कान दो यो मेठ के कॉल।
पछता
के लगे नौकर चाकर, हम मतारे को लगो। अरे माए के मैं करती रही कंडा पथुआ, अरे माए के मैं करती रही कंडा पथुआ, और लेके गुटौआ भोर दीनत रही मऊआ, और लेके गुटौआ भोर दीनत रही मऊआ। इते सेज पाके, इते सेज पाके ना एठ लाओ बारी धनिया, हमसे ना करी कटनी में एक प्रोग्राम है, तो हम आओ कटनी के आगे शहडोल में, तो कटनी से हमें एक पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी इंदौर भोपाल, भोपाल और बिलासपुर। तो वह भोपाल बिलासपुर ट्रेन जो चला थे पैसेंजर है उके ऊपर हमें बैठने, तो फिर जाने तो शहडोल लो। तो करीब शाम का 7:30 बजे में गाड़ी आई, जैसी आई तो अब इतने में भरी रहा है गाड़ी, इतनी ज्यादा भरी रहा है कोनो डब्बा में बिल्कुल, चाहे थ्री टायर को चाहे टू टायर को चाहे थर्ड क्लास को, कोनो डब्बा में बिल्कुल जगह नहीं कि हम बाहर के डंडा पकड़ के ठाणे रहिए भगवान तो पहुंच जाइए शहडोल। तो हमने कहा हम कैसे पहुंच पावी भगवान, उपाय सोचो। सो फौरन हम रेलवे स्टेशन से कटनी के पछाड़ रहे, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पछाड़ रहे कमानिया गेट बाजार का हाउते ठुकवा, सावन को महीना रहा है पिछले महीना में तो प्रोग्राम, तो महीना में हमने कहा सोची कि वो अच्छा सावन को बाजार भरो रहा है, तो हमने होते से 75 पैसा को सांप खरीदो, सांप नहीं बने बनाए ऐसे, तो 75 पैसा को एक सांप खरीदो। उस सांप में चावी भरत थी और बोलत बिल्कुल ना, तो सिर्फ चलत भरत वो सरसरा था। तो सो हमने वो 75 पैसा को सांप लो और उमें चावी कम से कम 3 मिनट लो रहा था थी, तो बस चावी हमने पूरी भरी होगी गली में। वो हम आए सो हमने एक थ्री टायर के डिब्बा में बीच में हो छोड़ दो, जैसे ही छोड़ दो सांप 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 सांप, 2 मिनट के अंदर पूरा डिब्बा खाली बिल्कुल, एक पैसेंजर नहीं ना, एक पुटरिया उटरिया कुछ ना रह गई उतर। हम फौरन गए सो बीच के बर्थ पे, हमने अपना तकिया लगाई हूँ सांप उठा के हमने थैला में डाल लो अपने, हम सो गए। अच्छा वो जैसे ही लेटे तो स्वतंत्र रहते तो अकेले थे सो सो गए। आ हमारी आँख खुली करीब 2:30 बजे, तो हमने कहा भैया कौन सी स्टेशन है, सो एक जने बाहर चाय बेचत फिर रहे थे, बोले कटनी, चाय बाबू जी चाय, हमने कौन सी स्टेशन है, बोले कटनी, हमने कहा यार कटनी से तो जो गाड़ी 8 बजे चली आओ, हमने कहा अबे कटनी में खड़ी गाड़ी गई नहीं आका, बोले गाड़ी तो चली गई, हमने कहा फिर, बोले डिब्बा में सांप घुस गया तो डब्बा काट दो गो जो मिलो नहीं। की बड़ी भौजी के है, बड़ी भौजी के बड़े बेकट ढंग हैं, बड़े भैया बड़े तंग हैं, बड़ी भौजी के है, बड़ी भौजी के बड़े बेकट ढंग हैं, बड़े भैया बड़े तंग हैं, बड़ी भौजी के है। कैसी हैं भाभी, के तनक बात पे तोनक तोनक के बोरई भकुर बेजावे, और दो दो दिना लो भैया पे हो रोटी लो ना खावे, और बैर बंधोरा बरसन लो होए ना बोला चाली, और जे बाहर हो दातन मी से बे भीतर दे गाली, जे कारे बे बड़ी जबर जंग है, बड़े भैया बड़े तंग है, बड़ी भौजी के बड़े बिकट ढंग है, बड़े भैया बड़े तंग है।
एक दिना की बात के बुझे धरे ते बरा बुझे धरे ते बरा बरन पे हो गई फूसा फांसी बुझे धरे ते बरा बरन पे हो गई फूसा फांसी। भाभी बोली के बरा छुए तो सुनो बरा पे मरो डार के फांसी बरा छुए तो सुनो बरा पे मरो डार के फांसी। और पेरे हाथी बरा चांदी के दोई बरा उतारे और दोई बरा उतार हाथ से पिया मूड़ से मारे। बड़े भैया कहें बड़े भैया कहें जा तो बड़ी वह है बड़े भैया बड़े तंग हैं बड़ी भौजी के बड़े विकट ढंग हैं बड़े भैया बड़े तंग हैं। फिर जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो भैया ने कहा करो भाभी ने कहा करो के उनने हाथ में मूसर पकड़ो इनने पकड़ी लठिया। अरे उनने हाथ में मूसर पकड़ो इनने पकड़ी लठिया। फिर अरे जे द्वारे के तखत पे धर रहे उनने पकड़ी खटिया। अरे जे द्वारे के तखत पे धर रहे उनने पकड़ी खटिया। और भैया बैठे दुगई के दोरे भाभी बैठी चूले और जे बाहर हो ले ओसा से बे भीतर हो कूले। कबहू रात के हॉन लगत जंग है बड़े भैया बड़े तंग है बड़ी भौजी के बड़े विकट ढंग है बड़े भैया बड़े तंग है। फिर हमने कही भैया ऐसो नहीं लड़ने आऊ का भाव के तनक देर में जब भीतर से हंसत सी बेकड़े आई। तनक देर में जब भीतर से हंसत सी बेकड़े आई सो भैया फूल के कुप्पा हो गए पान लगा के ले आई। और भाभी मुस्कियानी भैया ने मुस्किया के मुंह फेरा और इतने में हो आई चंचल मनहर ब्यान की बेरा। ई लड़ाई में बरसे प्रेम रंग है बड़े भैया बड़े तंग हैं बड़ी भौजी के बड़े विकट ढंग हैं बड़े भैया बड़े तंग हैं बड़ी भौजी के बड़े विकट ढंग हैं बड़े भैया बड़े तंग हैं बड़ी भौजी के है बड़ी भौजी के है बड़ी भौजी के बड़े विकट ढंग हैं बड़े भैया बड़े तंग हैं बड़े भैया बड़े तंग हैं। अरे मारो री छठ जी के बंदे मारो री छठ जी के बधेने मारो री छठ जी के बधेने अरे हाथन मारो पावन मारो नंग नंग के टोड़ा रो री छठ जी के बंधेने मारो री छठ जी के बंधेने मारो री छठ जी के बंधेने। हमने कहा भाभी आप गाली नहीं दे सकती भैया। हाँ अरे बोली लाला तुम्हें अलग देखो तो
अरे भीतर मारो बाहर मारो, भीतर मारो बाहर मारो, फिर अंगना में आड़ो डारो री ठच दी गे बंदे, मारो री ठच दी गे बंदे, मारो री ठच दी गे बंदे, मारो One, two, three, four. भैया घनश्याम दास गुप्ता अकेले एक ही बेड़ी हमारी और उनकी कई घटनाएं ऐसी बीत चुकी। एक बार जे हमसे बोले कहा यार देशराज, हमने कहा बोले भैया हमारी ससुराल चल रहे हैं, तो इनकी ससुराल है जिला हमीरपुर और खल्ला एक बहुत बड़ा गांव है उमे, तो हमने कहा भैया चलो चलें। तो जे बोले यार फिर ऐसे ही चलो, हमने कहा चलो। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लेते मोटरसाइकिल उसी हमने मोड़ी और चलते बने इनके संग। जैसी चले तो गली में जे बोले यार चाय आए पीने, तो चरखारी के नज़दीक उतरखें एक होटल पे चाय आए पियो, जे फिर से जैसी बैठन लगे मोटरसाइकिल पे तो इनको पेंट पछाए से फट गो। अच्छा अब जे पेंट सिवाय और कछु पहनत नहीं, यहाँ हम सब पहनत पैजामा कुर्ता पेंट शर्ट जो कछु भी है। तो जे बोले यार देशराज हमारा तो पेंट फट गो, अब का करें हम। और बोले ससरा रे जाने, हमने कहा एक काम करो। बोले का, हमने कहा हमारे सूटकेस में देखो शायद कछु धरो हो। बोले हाओ, तो इन्हें हमारा सूटकेस देखो उमे इन्हें एक हमारा पैजामा मिल गो। बोले यार में पैजामा है, हमने कहा तो वही पहन लो, आखिर फटे पैंट से तो साजो है कि नहीं है। बोले हाओ इन्हें पैजामा पहनो। जैसे ही चले तो गांव के किनारे जब पहुंचे तो चार से दस जने गांव के लोग मिले। बोले आ आप दो जने एक से लंबे हो, और बोले हम पहचाने नहीं पा रहे कि इतने को आए ब्याह हुआ खरी गाँव में, जा बताओ पहला। तो हमने कहा भैया इतने ब्याहे तो जइया है गुप्ता जी, अकेले पैजामा हम आओ पहरे। सो जे हमें अलग पकड़ लेगा। बोले काय हो देशराज, तुमसे उनने पैजामा की पूछी थी का के की को पहरे। बोले तुमसे उनने इतना भर पूछी के ब्याहो को आया है तो तुम बता देती कि जी ब्याह है तो तुम्हें पैजामा की क्या जरूरत थी। हमने कहा तो का करें। बोले अब तुम जो नहीं कह सकत के पैजामा हम आओ पहरे। हमने कहा ना कहें। जब थोड़ी दूर और अंगाने चले सो सारी सरजे जो रही आई चार छह दस ठैया। बोली कहा नहीं यार रामदीप जीजाजी बहुत दिन में आए और आप लोग दो ही जने एक से हो, जा बताओ पहला के हमारे जीजाजी कुआ है। मैं बता दो कहा हमारे जीजाजी कुआ है। हमने कहा बिन्नू जीजाजी तो तुम्हारे जे ही है, पैजामा हम आओ नहीं पहरे हैं। तुझे फेरा लग पकड़ लगा। बोले कान लग का हो तुमने जो का कह दी के पैजामा हम आओ नहीं पहरे। हमने कहा तो हमने जो तो नहीं कही के हम आओ पहरे। बोले नहीं तुमने जो का कही के हम आओ नहीं पहरे। हमने कहा तो का करें। बोले चर्चा नहीं चला सकत तुम पैजामा की तो। हमने कहा ना चलाए भैया। अब जब द्वारी में पहुंच गए बिल्कुल, तो सास महोदया अंदर से निकली। बोली बा लो हमारी बुढ़ी आंखें हो गई और भैया हम पहचान नहीं पा रहे आप लोग। राम जी हमें लगा तो दामाद जैसे हो, लेकिन आप जब बताओ कि दामाद हमारे कुआए हम पहचान नहीं पा रहे। हमने कहा अम्मा दामाद तो आपके जे ही ठाणे, अब पैजामा की सो चर्चा ही नहीं है कौन। मोरी चट्टू पर गई जीभ जले भी ले दे लांगुरिया, मोरी चट्टू पर गई जीभ जले भी ले दे लांगुरिया, ले दे लांगुरिया जले भी ले दे लांगुरिया, के मोरी 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 चट्टू पर गई जीभ जले भी ले दे लांगुरिया। अरे खा ले लांगुरिया ते जब रही खा ले लांगुरिया, खा ले लांगुरिया ते जब रही खा ले लांगुरिया, तोरी 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 चट्टू पर गई जीव तो मेरे खा ले लांगुरिया, तोरी चट्टू पर गई जीव तो मेरे खा ले लांगुरिया। मोरी
भेरो खात रही तो जुरी न रोटी दार, मठा महेरो खात रही तो जुरी न रोटी दार। ओ मथुरा के पेरन केला ने, अरे मथुरा के पेरन केला ने टपका रही है लार। तोरी 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 तोरी, तोरी चट्टू पर गई जीव तुम्हें के खा ले लांगुरिया। तोरी चट्टू पर गई जीव तुम्हें के खा ले लांगुरिया। करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद, करम फूट गए, करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद, करम फूट गए। बोली के लाला अरे इनके हैं सात नाव गिन के सुनाए, इनके हैं सात नाव गिन के सुनाए। मिठू और मिचके मठोले कहाए, उठ मल्ले धराए जे सटोले कहाए। और छट में भय बुद्धू सात आए मूसर चंद, करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद, करम फूट गए। बोली अरी चौका में बैठ कभौं रोटी ना खाए,
अरे चौका में बैठ कभू रोटी ना खाए, बखरी की छपरी में खेबे मगाए, बैठन नर दालो जाए टेरे ढोर सिडड़ आए, बाई दद्दे चिल्लाए करम फूट गए, हाओ करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद करम फूट गए। आओ गुण तो खोल कोल पूरे भरे, आओ गुण तो खोल कोल पूरे भरे, सपरे न मैनन चिलरवा फरे जुआ मूड में धरे, देह खोजा रहे परे और बीच सड़क पे डरे, करम फूट गए करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद करम फूट गए। आखिरी बात बोली के बेई बात कातन में चंचल शर्मात, बेई बात कातन में चंचल शर्मात, के कोने में प्यार डरो ओई में डर रात, सुंगरा सो घुर रात बनत नैया कछु कात, कभू पग करम फूट गए हाँ करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद करम फूट गए, हाँ करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद करम फूट गए, हाँ करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद करम फूट गए। सैया लई दे कर धनिया मंगई दे कर धनिया मैं तो से बिर दी, मैं तो ठेरी गांव की गोरी तुम तो सैया शहरी, मैं तो ठेरी गांव की गोरी तुम तो सैया शहरी, तोरे राज में एक बार मैंने कर धनिया पहनी बनके आई जब दुल्हनिया बन आई जब दुल्हनिया मैं तो से बिर जी सैया लई दे कर जुआ में धर दई बिंदिया मोरी अब
अरे नैना नैना पिस्तौरे सी भर के नैना पिस्तौरे सी भर के अरे मारन चाहत सुधर के नैना मारन चाहत सुधर के नैना पिस तोरे सी भर के नैना देखो आप काका चाहूने उस गोली दारू और सूजे और टोपी इतनी चीजें चाहो ने पड़ती तो बता रहे अरे गोली लाज सूरत की दारू गोली लाज सूरत की दारू गज भर लेत नजर के नैना पिस्तौरे सी भर के फिर का करत अरे सूजे चला देत भोइन से निफुल में दारू भरवे के लाने सूजे डाली जाती तो सूजे चला देत भोइन से पल की टोपी धर के नैना पिस्तौरे सी भर के और ईश्वर फेर होत फुरती से ईश्वर फेर होत फुरती से प्राण कौन विध भर के नैना पिस्तौरे सी भर के नैना पिस्तौरे मोखा जे बर लाए सो द्योरा लगते डटाई
एक बार मतलब जेठ मासन की अच्छी दोपारी अच्छी खरी दोपारी जी में अच्छो पसीना बहा रहो तो और जे बेचारे दाएं हाँक रहे थे उस समय पे तो का करो इन्हें कि जैसे ही और जे हमारे बड़े भैया हैं भाभी खाएं इतनो ज्यादा प्यार करत इतनो ज्यादा करत कि हम आपका का बताएं भगवान कसम
मतलब बिल्कुल कहो चाहिए कि स्पेशल टाइप को प्यार करत जे हमारी भाभी से। तो एक बार काभो के जे दाए हाँक रहे थे वो जेठ मासन की दोपहरी में, इन्हें ख्याल आ गई एकदम से भाभी की। सो जैसे ही ख्याल आई से उसी दाए में से दही गदबद और सीधे घरे आए। और जब घरे आए सुब्बा बिचारी चूल्हे लो बैठ कर रोटी बना रही थी, तो आप गए और चूल्हे के सामने ऐसे बैठ गए। थोड़ी देर तक तो बैठे रहे, ब कछु ना बोली भाभी हमारी। थोड़ी देर में बा बोली के तुम्हें तो सो उठ बैठो, ये तो काहे बैठ गए, और तुम्हें गर्मी नहीं लगा, जेठ को महीना है, पसीना आ रहा, उठ बैठो ना इतने से। तो बोले के हाओ भगे जा रहे तनक और बैठो रन दो हमें, भगे तो जा रहे। तो भाभी बोलेंगे भगो ना इतने से, इतनी बाई बैठी हो, बाई देखना तो काके हैं, उठो इतने से भगो, इतने बैठ के रह गए बेमतलब। तो बोले के हद कर दी, काहे हम काल हैं तुम्हारे, हम भगे तो जा रहे, हम काथ हैं का कछु तुमसे काहे। बोली नहीं भगो इतने से। जब जे ना भगे होते से तो भाभी ने अपने दो ही हाथ उठाए और उठा के रोटी बेलत के बिल्ला से मार दे, सो दो ही हाथन की चूड़ियां फूट गई। अब चूड़ियां फूटबो अपने तो बहुत आप सकुन मान हो जात। सो इतने में अम्मा बैठी थी उतनी तो बेबोली का नहीं कायरी, तेने का समझ लो कि हमारा लड़का मरा गाओ का, तेने राण जे चूड़ियां फोड़ी तो फोड़ी काहे पहला जा बता। भाई आप बेकारा नाराज हो रही, हमने ठीक का फोड़ ली। बोली काहे फोड़ी, तेने का समझ लो कि लड़का मर गाओ का। बोली हाँ जो समझो नहीं है, देखो आप जेठ मासन की दोपहरी पर ही बाई जा, और ऐसी दोपहरी में पसीना चुचवा रहा, पसीना में जे ताप रहे ने जाड़ो लगा। तो बोली ने माओ के महीना लो बचने हैं का कहे। तो बोली एडवांस बुकिंग कर ले चूड़ियन की, तो कभी फूटने का जब फूटने सुबह फूट। 1 2 3 4 हमारे भैया ऐसे नहीं है, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं। बताओ नहीं, एक बार ये ससुराल गए तो जैसी जे तैसे पहुंचे तो अब बैठे, स्वागत भो, आओ भगत भई, आओ ब्राजो। जैसी जे बैठे और भोजन करवे के लाने बैठे, सो इनके सामने जैसी थाली आई, वो हमारी भाभी मायके में हती। जे डॉक्टर तो बने बाद में, हम का बताइए इनकी दशा आपका। तो जैसी इनके सामने थाली आई तो इनने सोची कि हम खाना खाएं, तो हमारी भाभी ने बहुत छोटी छोटी लोचई बनाई पूड़ी के, ताकि कोई जो ना कह ले वे के जे मतलब ये करनी आऊ। तो जैसी इनके सामने टाठी परसी गई, सो बस जैसी टाठी आई सो इन्हें दिखानी हल्की हल्की लोचई, सो इन्हें एक उठाई और भीतर पेण वो शुरू कर दे। हर बेर एक उठाए भीतर डालत जाए, सो बे बेचारी ऐसी सामने बैठी थी चूलो जहाँ पर तो सामने पड़त, तो उनकी निगाह दौड़ी। सो उनने फौरन इशारे में गई के मतलब बोल ना सकी है, वो तो उनकी मताई अताई हती। तो बोली के मतलब एक एक के दो दो तो करा जा, मन में कही उनने के दो। सो इनने जानी जा करी के दो दो खाओ, सो जे दो दो डारन लगे भीतर। सो उनने धरो कलम पे हाथ के, अब हम का करिए का ना करिए। सो इनने जानी जा कात के पांच मूड़ पे धरो दो भीतर डारो। सो इनने पांच मूड़ पे धही दो भीतर डारो शुरू कर दे। तो फिर बेचारा शर्म लगी, बोली तो अरे भाई एक ही एक बार जाओ, जैसी खाते काया मरे जा जबरदस्ती।